उस टाइम पे आपको बुक नोटबुक जो भी है सबको बंद करके रख देना है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में भी एक सिग्नल चला जाएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो बल्कि पढ़ाई के टाइम पे हरामखोरी कर रहे हो। इससे क्या होगा, कुछ समय बाद आपका माइंड आपका ब्रेन खुद आपको मैसेज देगा कि बेटा बहुत ज़्यादा हरामखोरी हो गई, अब पढ़ाई कर लो। सीरियस स्टूडेंट जो बात को समझते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स हर किसी का ब्रेन ये मैसेज देता है कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो ना कि कोई हरामखोरी। जनरली क्या होता है, हम पढ़ाई करने बैठते हैं कोई और अदर माइंड थॉट्स किसी अदर सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे पढ़ाई कर रहे हो आप फिजिक्स की या पढ़ाई कर रहे हो अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, लेकिन आपके दिमाग में चल क्या रहा है कि आज शाम को दोस्त के साथ जाएंगे, कहाँ घूमना है, कहाँ क्या खाना पीना है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बट पेशेंस रखिए, कुछ टाइम बाद बस वैकेंसी आने वाली है। केवल UPPCL में ही नहीं बल्कि इसी साल अदर डिपार्टमेंट्स लाइक DRDO, BSPSCL एंड जो अदर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है इसमें भी वैकेंसी आने वाली है। चूँकि फ्रेंड्स अभी वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में आई नहीं है, तो जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं अभी सीरियसली होकर के प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी एक मिस्टेक है। क्योंकि चूँकि अभी वैकेंसी नहीं है तो आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, और पढ़ाई जब आप करते हैं तो उस बीच में आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं कि वैकेंसी आनी भी है या नहीं। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। साथ ही साथ में अब आपका जो मोबाइल है वही एक आपका एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। साइंस हुई तो वरदान है, लेकिन अब आप अपन लोग खुद इसको अब अभिशाप की तरह बना रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है पढ़ाई के टाइम पे सोशल मीडिया का यूज़ करना। 5 मिनट पढ़ाई करते नहीं बल्कि आप तुरंत मोबाइल चलाने लगते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या शॉर्ट वीडियोज़। पता नहीं चलता कि आध घंटा आपका कब निकल गया, और आपका माइंड तो ये सोच रहा है या आपके माइंड सेट ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के दौरान आप मोबाइल चला रहे हो, या फिर थोड़ी सी पढ़ाई की नहीं कि आपको जल्दी से नींद आ जाती है। तो ये कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन हैं जो आपको आगे बहुत ज़्यादा लॉस कराएंगे कंपाउंड इफेक्ट के साथ। कि आप जैसे आज आप आध घंटे पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल चला रहे हो, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आप आध घंटे से वो टाइम आपका बढ़ता जाएगा, फिर गेम भी खेलते जाओगे, फिर सोशल मीडिया गेम और भी चीज़ें देखते जाओगे। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट ये सोच रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं बल्कि आप उस टाइम पे हरामखोरी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप पढ़ाई करो, मोबाइल ना चलाओ या सो मत या कोई भी काम ना करो, करना है लेकिन एक चीज़ पे फोकस होकर के करो। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चला रहे हो लेकिन उसके साथ साथ आपकी बुक नोटबुक खुली हुई है, मतलब नोटबुक बुक को खोल करके आप उसके ऊपर मोबाइल चला रहे हो। इससे क्या होगा, माइंड में तो ये चल रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में आप पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। यदि आपको मोबाइल चलाना है या फिर सोना है तो उस टाइम पे आपको बुक नोटबुक जो भी है सबको बंद करके रख देना है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में भी एक सिग्नल चला जाएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो बल्कि पढ़ाई के टाइम पे हरामखोरी कर रहे हो। इससे क्या होगा, कुछ समय बाद आपका माइंड आपका ब्रेन खुद आपको मैसेज देगा कि बेटा बहुत ज़्यादा हरामखोरी हो गई, अब पढ़ाई कर लो। सीरियस स्टूडेंट जो बात को समझते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स हर किसी का ब्रेन ये मैसेज देता है कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो ना कि कोई हरामखोरी। जनरली क्या होता है, हम पढ़ाई करने बैठते हैं कोई और अदर माइंड थॉट्स किसी अदर सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे पढ़ाई कर रहे हो आप फिजिक्स की या पढ़ाई कर रहे हो अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, लेकिन आपके दिमाग में चल क्या रहा है कि आज शाम को दोस्त के साथ जाएंगे, कहाँ घूमना है, कहाँ क्या खाना पीना है। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड थॉट में चलती रहती हैं। यही रीज़न है कि आप जो पढ़ते हो वो आप या तो भूल जाते हो या आपको ध्यान में नहीं रहता है। तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का यही उपाय है, सबसे पहली चीज़ जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल की नोटिफिकेशन, ऑल ऐप्स की नोटिफिकेशन आप ऑफ कर दीजिए। मीन्स किसी भी मोबाइल में आपका नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो फिर मन करने ही लगता है, व्याकुल हो जाते हैं आप कि क्या आया है नोटिफिकेशन में। तो पहली चीज़ आपको अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है जब आप पढ़ाई करने बैठे। सेकेंड चीज़ ये है, जब आपको नींद आती है तो पहले आपको समझना है कि आपने यदि नाइट में प्रॉपर नींद ली है तो फिर आपको दोपहर में बहुत कम समय के लिए सोना चाहिए, और यदि सोना भी चाहिए तो एक फिक्स टाइम बना लीजिए आप, ठीक है। उस टाइम पे आपकी नोटबुक और बुक खुली नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपने नोटबुक बुक सब बंद कर दी फिर आप सो जाओगे, तो कुछ टाइम बाद आपका ब्रेन मैसेज ज़रूर करेगा कि ये बहुत सो लिया, आप अपनी पढ़ाई में आ जाओ।
सीरियस स्टूडेंट जो होंगे वो इसको रिसीव कर लेंगे, जो ब्रेन ने मैसेज दिया कि आप पढ़ाई कर लो, और जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के या कैरियर को लेकर के सीरियस नहीं है वो इस मैसेज को इग्नोर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमें यही बताना था कि जो स्टडी के दौरान जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होते हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर आपकी नींद को लेकर के या अदर माइंड थॉट को लेकर के, इन सब से आपको बचना है। क्योंकि यदि इन सब से आप अभी प्रेजेंट टाइम पे आपने इसको नोटिस नहीं किया तो ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले हैं। फिर बोलते हैं कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इन्हीं सब रीजनों की वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक जाता है, कुछ मार्क्स से, और फिर वो आपको बहुत ज़्यादा बाद में दर्द देता है। तो आप यदि ऐसा नहीं चाहते हैं तो फोकस होकर के आपको पढ़ाई करना है, और यदि आप एक जगह पर अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको ध्यान भी रहेगा, याद भी रहेगा और भूलेंगे भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको इसी वीडियो में हमें यही बताना था कि आपको पढ़ाई के दौरान इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचना है और लाइफ में अपने कैरियर को लेके जल्दी से जल्दी सक्सेस होना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।